नमस्कार न्यूज एट फोपीएम को आपण मानको स्वागत करुछि मु बंदिता आसीबा संपूर्ण खबर को सिंघो बॉर्डर रे पूर्ण उत्तेजना रास्ता अवरोध हटाइबा को स्थानीय लोकक दाबी याको नै पुलिस ओ स्थानीय लोक मुहामुही होइछंती उत्तक्त लोकक टेका माड़ रे जने पुलिस कर्मचारी आहत होइतिबा सूचना मिलिछि स्थिति नियंत्रण करबा को लाठी चार्ज एवं लोहबोहा गैस प्रयोग करा जाइछि निजको स्थानीय लोक दाबी करथुबा किछ लोक हठात चासी को धारणा स्थल को आसी रास्ता खाली करबा पई दाबी करथिले चासी को विरोध रे नाराबाजी करथिले याको नै पुलिस सह सेबानकर मुहामुही विक्षोभकारी माने पुलिस उपरको टेकापथर माड़ करिबा सह खंडारे आक्रमण करथिले एथिरे जने एसएचओ गुरुतर आहत होइछंती सेपटे परवर्ती रणनीति पाइन दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर रे चासिंग महापंचायत आरंभ होइछि विशेष करी 26 जनवरी रे चासिंग ट्रैक्टर रैली परे बैकफुट रे अछंती कृषक संगठन तथापि कृषि आईन प्रत्याहार दाबी रे जारी रखिछंती आंदोलन व्यापक पुलिस छाउनी भितरे गाजीपुर सीमा रे चासिंग हड़ताल जारी रहिछि सामाजिक काम करते हैं लोग हम बहुत परेशान हैं हमने इनको भाई समझा था ये भाई के रूप में सांप निकले हैं यहीं रहते हैं ये तो रहते ही यहीं हैं हाँ यहीं रहते हैं इस टाइम चलो देखते हैं अभी बात करते हैं हम तो नहीं चाहते कोई कन्फ्रंटेशन हो हम ऐसा नहीं चाहते शांति व्यवस्था बनाए रखनी इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग विरोध जता रहे हैं किसानों का इनके हाथ में लाठी है यहाँ पर पत्थरबाजी भी हो रही है आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पत्थरबाजी हो रही है आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए कुछ स्थानीय लोग घायल भी हुए हैं आप देख सकते हैं इनके हाथ में लाठी है और कहीं ना कहीं ये विरोध जता रहे हैं किसानों का विरोध जता रहे हैं स्थानीय लोग यहाँ के 26 जनवरी की घटना का यहाँ निंदा कर रहे हैं किसानों की निंदा कर रहे हैं क्योंकि इनका मानना है कि 26 जनवरी का जो दिन जो घटना घटी वो कहीं ना कहीं दुखद घटना है और स्थानीय लोगों को आर्थिक भी समस्याएं हो रही हैं इनका रोजगार बंद है यहाँ के कारखाने बंद हैं इनकी जो आवाजाही है रोजाना यहाँ पर वो बंद है इसलिए आज ये सड़कों पर है इनको हाथों में चोट लगी है और कहीं ना कहीं ये लोग अब विरोध जता रहे हैं इनके कुछ अपने लोग भी घायल हुए हैं आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में तिरंगा है प्रशासन उस तरफ मौजूद है रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ दिल्ली पुलिस के जवान तमाम लोग तैनात हैं और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में तिरंगा है और अभी भी ये यहां से विरोध जताने की पुरजोर कोशिश कवायद में जुटे हुए हैं एक तरफ किसान है दूसरे तरफ स्थानीय लोग और इसके बीच में है प्रशासन जो दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश कर रहा है दरअसल कह सकते हैं कि सिंघू बॉर्डर में इस वक्त थोड़ी तनाव की स्थिति है पथराव भी हुए लाठियां भी बरसी आंसू गैस के गोले भी दागे गए और अभी भी यहां के स्थानीय लोग इन किसानों का विरोध जता रहे हैं ये आंदोलन नहीं टेरर है ऐसे तमाम पोस्टर बैनर यहां पर मौजूद है और आपको तस्वीरें दिखाऊंगा अभी भी यहां पर ये लोग लोकल गाँव वाले हैं और पुलिस के साथ यहाँ पर इनकी झड़प हुई है और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे पुलिस के साथ आप लोग की झड़प हुई आप लोग झड़प नहीं हुई यहाँ पुलिस ने भी आंसू गैस से गोले छोड़े आपके कुछ लोग भी घायल हुए हैं क्या कहना ये खालिस्तानी आतंकवादी जो रह रहे हैं उस पार आके हमारे बॉर्डर पर बस गए हैं इन्होंने हमारे एसएचओ साहब है उनके ऊपर तलवार चलाई वो घायल हुए हैं वो उनको जो है अस्पताल में लेके जाया गया है ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं बहुत बुरा गलत कर रहे हैं आप देख सकते हैं ये स्थानीय लोग यहाँ पर किसानों के विरोध कर रहे थे मगर इस विरोध प्रदर्शन में हिंसा हुई आंसू गैस के गोले छोड़े गए पथराव किया गया और पुलिस बड़े आला अधिकारी भी यहां पर जख्मी हुए हैं ये उग्र रूप कहीं ना कहीं मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि इनके हाथ में लाठी है इनके हाथ में डंडे हैं और ये विरोध जता रहे हैं कहीं ना कहीं विरोध जताने का ये तरीका तो बिल्कुल जायज़ नहीं होगा कैमरापर्सन मुमू के साथ बरवी मिश्रा न्यूज 18 नई दिल्ली सिंघुबड़ा रे वर्तमान उत्तेजनामूलक परिस्थिति देखा मिली स्थानीय लोक एवं पुलिस मध्य मुहांमुही परिस्थिति सृष्टि टेका पथर बाड़ी जो जड़े आहत होती पुलिस कर्मचारी निजक स्थानीय लोक दाबी करुवा किसी लोक हठात चाषी धारणा स्थल को आसी रास्ता खाली करने दावी करते चाषी विरोध में नाराबाजी करते पुलिस मुहांमुही होता विक्षोभकारी माने पुलिस उपरको टेका पथर माड़ करने खंडार आक्रमण करते जड़े एसएचओ गुरुतर आहत होती
तबे परवर्ती रणनीति पाई अन्य पक्षरे दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर रे चासी को महापंचायत आरंभ होईछि। विशेष करी 26 जनवरी जेउ चासी को ट्रैक्टर रैली रे जो अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हला ताको नै बैकफुट रे अछंती वर्तमान कृषक संगठन एवं धीरे धीरे गोटे गोटे कृषक संगठन महामेलिरु निजर ना ओहरे नबा ओहरे नेउछंती एवं केतेक स्थान रे छत्रभंग देलेनी मध्ये कृषक संगठन किंतु कृषि आईन प्रत्याहार दाबी रे वर्तमान केतगुड़े कृषक संगठन आंदोलन जारी रखी व्यापक पुलिस छाउणी भितरे गाजीपुर सीमारे चासी का हड़ताल जारी रही। आसिला अर्थनैतिक सर्भे रिपोर्ट लोकसभा 2021 अर्थनैतिक सर्भे रिपोर्ट उपस्थापन कले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। 2021-22 रे जीडीपी अभिवृद्धि हार 11% रहीपे 2021 रे अर्थव्यवस्थार अभिवृद्धि 7.7% रहिबा आशा करादौछि। कृषि क्षेत्र में अधिक आशा रही बोली अर्थनैतिक सर्भे रिपोर्ट में दर्शाई। कोरोना पई मैन्युफैक्चरिंग एवं निर्माण क्षेत्र सबुठ अधिक प्रभावित होई तेबे भी सेफ रे सुधुरुछि देशर अर्थव्यवस्था। चलित वर्ष देशर आर्थिक अभिवृद्धि -7.7% रहिबा हेले आसंता वर्ष अर्थात 2022 रे प्रकृत जीडीपी 11% हेबो। सोमवार बजेट उपस्थापन पूर्व शनिवार पार्लियामेंट रे उपस्थापित होइथिबा अर्थनैतिक सर्भे रिपोर्ट रे कथा आकलन करा जाइछि जेउटी कहा जाइछि जे नुवा कृषि आईन कृषि क्षेत्र रे संस्कारमूलक परिवर्तन आनिबो एवं सृष्टि हेबो वन इंडिया वन मार्केट। विदा हेले आउ न अधिकारी सरकारी चाकरीरु विदा हेले आउ न अधिकारी खणि श्रम जंगल और जनस्वास्थ्य विभाग न अधिकारी को विदा करा जाइछि। दुर्नीति पई सात अपारगता पई दुई अधिकारी को विदा करिछन्ति सरकार। दुर्नीतिग्रस्त एवं अपारगता कारणरु तीन जन को विदा करिछन्ति राज्य सरकार। खणि विभाग जड़े उपनिर्देशक श्रम विभाग जड़े जुग्म कमिश्नर खणि विभाग उपनिर्देशक मदन मोहन मिश्र ना दुर्नीति प्रमाणित हो कार्यानुष्ठान ग्रहण कर मदन मोहन ना रही 9 विजिलेंस मामला। सेपरी खणि अधिकारी रमेश चंद्र महालिक विदा होती। खणि अधिकारी रमेश चंद्र महालिक ना रही 4 विजिलेंस मामला। बलांगीर मुरीबहाल फॉरेस्ट रेंज अधिकारी प्रशांत नायक विदा होती और प्रशांत ना रही विजिलेंस मामला। सेपटे सुंदरगढ़ जनस्वास्थ्य विभाग आसीस्टांट इंजीनियर चाकरी विदा होती। आसीस्टांट इंजीनियर नारायण प्रधान विदा होती। सहकारी वन संरक्षक लक्ष्मण प्रधान लक्ष्मण ना रही 2 विजिलेंस मामला। दुर्नीति अपारगता एजाए 113 जन को विदा कले सरकार। विजिलेंस जालरे डाक्टर स्वास्थ्यकर्मी लांच नेबा बेले धरा पड़िले डाक्टर। सुंदरगढ़ जिला हेमगिरी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र मेडिकल ऑफिसर डाक्टर श्रद्धाकर गर्तिया गिरफ्त करिछि विजिलेंस। जड़े महिला स्वास्थ्यकर्मी 5000 टंका लांच नेबा बेले विजिलेंस गिरफ्त करिछि। 2016 रे महिला स्वास्थ्यकर्मी जनक हेमगिरी गोष्ठी केन्द्र में अवस्थापित थिबा बेले 2 दिन अनुपस्थित रही थे। ए 2 दिन छुट्टी को नियमित करने मेडिकल ऑफिसर 5000 टंका लांच मांगिथिले। आज लांच टंका नेबा बेले डाक्टर श्रद्धाकर को गिरफ्त करिछि विजिलेंस। पुरी समुद्र में पर्यटक निखोज। पुरी बेलाभूमि में समुद्र स्नान बेले जड़े निखोज होती अन्य 6 जन को उद्धार कर मिलता सूचना अनुजाई निखोज पर्यटक जनक 17 वर्षीय दीपक कुमार से बोकारो कुरुमुड़ी अंचल पुरी आसते। आज पूर्वाह्न दीपक और अन्य 6 जन सांग समुद्र में गाधोता बेले भासी जाते। स्थानीय लोकों सहायत 6 जन को उद्धार कर दीपक कौन पता मिलना अग्निशम विभाग पक्ष उद्धार कार्य जारी रही। अधिक आलोचना करिबा हम सीनियर करेस्पोंडेंट अक्षय कुमार मिश्र अच्छा अवस्थित फोनलाइन ने। अक्षय वर्तमान किसी पता मिलला कि दीपक कर कारण जहाँ सूचना रही कि दीपक परिवार प्राय 25 जन गत काली झारखंड बोकारो पाखु आसी पुरी बुलाक आसते सका चक्रतीर्थ बेलाभूमि जो पिंक हाउस होटेल सम्मुखे से स्नान करुते प्राय दीपक समेत 6 जन समुद्र भितर गाधिला बेले भासी जाते कि लाइफ गार्ड पक्ष 5 जन को उद्धार कर दीपक को उद्धार कर दीपक को लहड़ी भितर निखोज हो जाते प्राय एजावत एते समय हेली पुलिस पक्षर एवं अंश विभाग पक्ष खोजाखोज चली कौन पता एजावत आज मिल पारिना सेपटे
समुद्रकूल थाना एने एक मामला रुजु कराई तथापि अग्निशम विभाग पक्षर समस्त लाइफगार्ड मानक मुतयन कराई कि से नजर आस जन विभिन्न मत्स्यजीवी मानक सूचना दिखाई से कौन सन्धान पाते तेज जनवाप कि एजापत जदि कह एजापत दीपक कौन से पता मिल पारि ना और जहाँफल की सेम पर भितर गोटे दुखर छाय खेली जाइए कारण जेहेतु दीपक सांगे आसते गाधोले युवक अवस्था रही से देखा जो पुलिस पक्ष खोजा खोज चली तेज देखा जाए दीपक सन्धान मिल पारे कि ना बिल्कुल वर्तमान समस्त प्रकार चेष्टा करा जाउछि दीपक पत्ता लगे चेष्टा करा जाउछि अग्निशम विभाग पक्ष उद्धार कार्य जारी रही किंतु वर्तमान पर्यंत सेथिरे सफलता हाथ लागी नाही अन्य छह जन को उद्धार करा जाइछि एवं पूरी बेलाभूमि समुद्र स्नान कला बेले दीपक कुमार जे कि बोकार कुरमुड़ी अंचल पूरी आसते बुलाई वर्तमान पत्ता मिलूना धन्यवाद अक्षय सविशेष आलोचना कोविड महामारी परस्पर मध्यरे सहयोग भावना को सुदृढ़ करिछि जहाद्वारा पूरा देश एकजुट हो यार मुकाबला करिपारिबो टीकार घोषणा परे आमे समस्ते निज निजर श्रेष्ठ योगदान करिपारिबा यहाद्वारा आमे समस्ते एक होई भाइरस को हराइबारे सक्षम हेबा ए अभियान रे आपनको सह रहिछि नेटवर्क 18 जे पर्यंत समस्ते सुरक्षित होइ नाहंती से पर्यंत केही बी सुरक्षित नहंती तेनु ई भावना आधार रे आमो कैंपेन संजीवन रो लक्ष्य होउछि टीका पाइबा समस्त भारतीयक अधिकार झराफुल मृत्यु केमिति हेला ए घटनारे बे सामना को आसिलानी नुआ नुआ ट्विस्ट झराफुलंक बंधु राकेश को गिरफ करा जाइथिबा बेले पूर्णी सामना को आसछि किछि नुआ सीसीटीवी फुटेज रमादेवी विश्वविद्यालय छात्री झराफुल मृत्यु पर एबेबी हटिनी परदा झराफुल को हत्या करा जाइछि ना तांकर अन्य कोनोसी कारण मृत्यु होइछि सेनी उभय जाजपुर एवं कमिश्नरेट पुलिस चलाइछि तनाखना तेबे आ भितरे झराफुल सह प्रेम संपर्क अभियोग रे गिरफ होइछि भुवनेश्वर सुंदरपदार पाणी मिस्त्री राकेश स्वई उर्फ नंदू पुलिस तदंत को बड़ खोराक जगाइछि आउ एक सीसीटीवी फुटेज भुवनेश्वर धर्म विहार अंचल एक होटेल सीसीटीवी फुटेज रु जना पड़िछि झराफुल डेड बॉडी को स्कूटी रे बसाई निया जाउछि कहा जा 26 तारीख राति राकेश सह ही होटेल रे राति बिताउथिले झराफुल और 27 तारीख भोर भोर झराफुल मृतदेह को होटेल रु स्कूटी रे निया जाउछि सेपटे जाजपुर कुआखिया पुलिस हाथ में प्रथम लगी सीसीटीवी फुटेज रे मध्य स्कूटी रे दुई जन युवक झराफुल डेड बॉडी धरी बसिता देखा मिलता एंदेह झराफुल मृत्यु पर डेड बॉडी डिस्पोजल भुवनेश्वर जाजपुर को नि तेज स्कूटी में दुई जन किए तार छानभिन चलाई पुलिस पर लोके भी कहते राकेश और झराफुल प्रेम संपर्क था राकेश जशीपुर में पापाइप कम करुवा बेले झराफुल संपर्क गढ़ी उठीला रमादेवी विश्वविद्यालय पाठ पढ़ा बेले झराफुल नियमित भाव राकेश को सह मिलामिशा करुवा पुलिस सन्देह करुछि एबे कमिश्नरेट पुलिस अभियुक्त राकेश को जाजपुर पुलिस को हस्तांतर करिछि जाजपुर टाउन थाना राकेश को पचराउचरा करुछन्ति एसपी राहुल पीआर वर्तमान जने एक्यूज कस्टडी रे अछि इन्वेस्टिगेशन चली इंटरोगेट करा होछि इन्वेस्टिगेशन आउ किछि स्टेज को आसिला परे हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन शेयर करि पारि झराफुल मृत्यु रहस्य खोलिब सीसीटीवी एबे पुलिस हाथर लागिछि दुई दुईटी सीसीटीवी फुटेज देखते दुईटी जाक सीसीटीवी फुटेज प्रथम सीसीटीवी जाजपुर कुआखिया पुलिस हाथर लागिथिला 27 तारीख सका 9:07 एक स्कूटी में दुई जन झराफुल डेड बॉडी को धरी बसछन्ती यार दुई दिन पर आज आउ एक सीसीटीवी फुटेज लागिछि कमिश्नरेट पुलिस हाथ यह सीसीटीवी फुटेज 27 तारीखर भुवनेश्वर धर्म विहार अंचल एक होटेल सामने स्कूटी रे एक डेड बॉडी दुई जन नेउथवा जना पड़िछि एही सीसीटीवी फुटेज होउछि 27 तारीख सकाळ प्राय 7:21 रो दुईटी जाक सीसीटीवी फुटेज मध्यरे समयर व्यवधान दुई घंटा रो अधिक भुवनेश्वर जाजपुर कुआखिया जिबा पई दुई घंटा समय भी लागि जाई पारे तेणु सन्देह करा जाउछि झराफुलंक मृत्यु भुवनेश्वर होइछि किंतु डेड बॉडी डिस्पोजल होइछि जाजपुर रे स्कूटी रे थिबा दुई जन किए तार छानबिन चलाइछि पुलिस जदि सीसीटीवी रे थिबा दुई जनक भितर जने अभियुक्त राकेश होइथाय तबे तदंत रहस्य फिटाई पारे पुलिस को बेसी समय लागिबो नाही।
ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହେଇଛି ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେଉନି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଆମେ ଏଠି ସାହି ପଡ଼ିଶା ନେଇକି ରହୁଛୁ ଏଇଟା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କରିହେଉନି ନା ନାଇଁ ଆମେ ତ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଇଠୁ ନା ସକାଳୁ 7:15 ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରିକି ବୋଲି ତିନି ଜଣ ପିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଚଲାଉଥିଲା ଜଣେ ବସିକି ଯାଉଥିଲା ସେପଟେ ଯାଜପୁରରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୃତଦେହ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଦେଖିଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମିନତୀ ବେହେରା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ମିନତୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା ଗଞ୍ଜାମ ଗୋଳମ ଥାନାରେ 9 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣାରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ଆଜି ସୋରଳ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଛନ୍ତି ନାବାଳିକାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗତକାଲି ନାବାଳିକା ଜଣକ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତା'ର ଗଳା କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ସେଠାରେ ସେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ନିସ୍ତୁକୁ ପିଟିବା ସହ ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ଡକାୟତି ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ 5 ଡକାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ 2 ଜଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଅଛି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି କଟୁରୀ 3 ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ 2 ବାଇକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଯେଉଁ ଗାଡି ମାଛ ଗାଡି ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ସେଥିରୁ ରାତିରେ ଅଟକେଇକି ପଇସା ତାକୁ ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେଇ ଆଧାରରେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସେଠି ରେଡ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ 5 ଜଣ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ 2 ଜଣ ସେଠୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଧରାହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଗୋଟେ ଗୁଳି ଆଉ 2 ମୋବାଇଲ୍ 2 ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଗୋଟେ କଟୁରୀ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଡକାୟତି କରିଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ 50/2021 399/40 ଆନ୍ସାର୍ଟୁ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯାଇଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ମଣ୍ଡିରୁ ସମସ୍ତ ଧାନ ଉଠାଇବା କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବା ଡିଏଲ୍ପିସିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଟୋକନଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଆଦି ଦାବିରେ ଏହି ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ 72 ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗତ 21 ତାରିଖରେ ଆମେ ଜେଲ୍ ଭର ଆନ୍ଦୋଳନ RDC ଅଫିସରେ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ ତାପରେ ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲ୍ରେ ରଖାହେଲା 72 ଘଣ୍ଟା ଥାନାରେ ଆଉ ସେ RDC ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାମୁ ତାପରେ ଆମର ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା 72 ଘଣ୍ଟା ପାର ହେଲା ପରେ ବି ଆଜି କେନ୍ସି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଏତକ ନୁହେଁ ଉଠେ ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛେ ଆଜି ଦେଖିଥିବେ କେନ୍ତା ପାଗ ହେଇଛେ ଏ ବର୍ଷାରେ ଧାନ ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେବା ଲୁକସାନ ହେବା ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବା ଏଇଥିଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଫେର ଏଇଟା ଧାରଣା ଦେଇଛୁ ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଟୋକନ ନ ପାଇବା ଆଦି ପ୍ରତିବାଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରା ନଗଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି କଥାରେ ଅଛି ଚାଷୀ ହସିଲେ ଦେଶ ହସିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଷୀମାନେ ନିଜର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି କେତେବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନାୟନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆସିକରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଧାନ କିଣିବା କଥା ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1000 ମାତ୍ର କୁଟା କରିଛନ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ 1000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ
किंतु धान पहुँचु से 4,000-5,000 क्विंटल पहुँचुची चाषी मैंने हैरान होती जो 18,000 क्विंटल जो आमर किणवा कथा से मैंने किणु ना से आम दाबी अच्छी जे चाषी मानकर समस्त धान किणा जाऊ जेहेतु केन्द्र सरकार नरेन्द्र मोदी निष्पत्ति करिसंती चाषी जहाँ उपार्जन करुच्छे सबू धान किणवा कथा आमर दाबी अच्छी जे ये झारसुड़ा जिला प्रशासन आज कलेक्टर को कहलु जे आमर कृषक मानकर जेतिक भी धान किणाई तांकर निजर खर्चपाई जहाँ रखिबे बाकी धान के किणवार व्यवस्था करंतु आ कुटा फुटा सिस्टम बंद करंतु कटनी छटनी बंद कर देखूँ आज्ञा झारसुगुड़ा जिला थी 18,800 चाषी रजिस्ट्रेसन करते आउ प्रशासन द्वारा ही भेरीफाइड होकर 18,400 पखापाखी चाषी भेरीफाइड कहकर प्रशासन तार लिस्ट देचे आर सरकारी रिपोर्ट अनुसार एखेन तक 8,000 चाषी धान गिनीचन आउ 10,000 चाषी धान केन्ता ने तार लगे सरकार पाखे योजना नीन आए देखुन सकाल पुहानु वर्षा होचे धान मंडी थी पड़ी मिल मालिक तार समय हेले गाड़ी पठोचे चार समय हेले नी पठाबार सरकारी बाबू मैंने रूम थी बसीचन धान गिनबार लगे जीवार नी चाषी मैंने कांदुछन इतार लगे जेन कुंभीर कांदना नवीन सरकार पहुँचे विजु जनता दल सरकार कहचे इन जड़े मंत्री अच्छा विजु जनता दल दुई जन विधायक इन अच्छा इनर चाषी मन कर लगी क्या व्यवस्था कर आज तार प्रश्न पचराबार लगे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में झारसुगुड़ार जिला चाषी मैंने आसी आगामी दिन में जदि चाषी मान सुव्यवस्था करानी जाए ताहले रास्ता रोको हवा सबु एने जाम हवा ओडिशा के अचल कर दिया चाषी मान असुविधा जदि ये सरकार दूर नहीं करे हेले निश्चित भाव शुणुले जहाँ से प्रतिक्रिया रोला जदि आगामी दिन में चाषी मान जो समस्या रोचे ताहा जदि समाधान न हो निश्चित भाव से राजरास्तार ओल्लैवा सहित तीव्र आंदोलन करेंगे बोली जहाँ चेतावनी देते झारसुगुड़ू जितेन्द्र देवता न्यूज 18 ओडिया टेलीविजन रे प्रथम थर पई आसुछे एक नियारा शो नेटवर्क 18 प्रस्तुत करुछि बाइजु सियंग जीनियस 30 जनवरी राति 8:30 रे न्यूज 18 ओडिया रे देखंतु दुनिया रो द्रुतगति रे ड्रम बजाउथिबा बालक स्टीफन को ये है यंग जीनियस जिसका जोश हमेशा हाई रहता है हाय आई एम स्टीवन सैमुअल आई प्ले मेनी परकसिव इंस्ट्रूमेंट्स लाइक काहुन दरबुका मृदंगम तबला But I'm specialized in drums. ये है यंग जीनियस दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से ड्रम बजाने वाला बच्चा I have been rated as one of the youngest fastest drummer in the world. ये है यंग जीनियस जो 14 साल की उम्र में संगीत की दुनिया पर छा गया नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले चेन्नई के स्टीवन के साथ जो है लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज से ग्रेड 8 ड्रम्स का इम्तिहान पास करने वाला सबसे छोटा बच्चा वो भी 100 में 91 के रिकॉर्ड स्कोर के साथ जिसने 12 साल की उम्र में बनाया 3 बच्चों का बैंड सुपर किड्स जो एक नामी म्यूजिक कंपनी का सबसे छोटी उम्र का ब्रांड एम्बेसडर है आपने इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में से ड्रम्स को क्यों चुना Yeah, I love rhythm so much. So every heartbeat is a rhythm. Yeah. So I like the energy that I get from playing. ये तो punchlines भी बढ़िया बोलता है. Every heartbeat is a rhythm. जिसके कायल खुद यार रहमान हैं और जिसका गाना 10,000 Reasons YouTube पर धूम मचाते हुए 4 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. Yeah, baby. आ रहा है ये यंग जीनियस